पहली नंबर पोजीशन पर रखने के बाद प्लेस करते हैं इसके स्टेज पर, और उसके बाद अब ये सैंपल ये किस तरीके से मशीन परफॉर्म करती है आइए आपको दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी। दोस्तों आज हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई सेल काउंटर है, आज हम आपको CBC जिसपे हम प्रोसेस करते हैं उस मशीन के बारे में आज रिव्यू करने जा रहे हैं, और CBC टेस्ट जो कैसे परफॉर्म किया जाता है फुली ऑटोमेटिक मशीन पे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे पास में एक पेशेंट का सैंपल है, EDTA सैंपल है, जिससे हम CBC प्रोसेस करेंगे। दोस्तों होता क्या है कि इसमें जो हमारे जो सैंपल होगा, इसके ऊपर पहले लेबलिंग के लिए हमारे पास में बारकोड लगा होता है, जिससे फुल्ली ऑटोमेटिक जो हमारा सेल काउंटर है वो ऑटो स्कैन करता है, और उसके बाद में सैंपल अपने आप प्रोसेस होता है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट दिखाएंगे आपको ये फुल्ली ऑटोमेटिक कैसे काम करता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें करना ये होता है कि हमारे पास में एक पेपर होगा मैनुअली, हम जो हमारे जो लैब रजिस्टर होता है जो हम मेंटेन करके रखते हैं, उस पर हम पहले पेशेंट की एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने। दोस्तों ये है सेल काउंटर सिसमैक्स कंपनी का XN1000, और ये आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे बना हुआ सेल काउंटर है, और इसके बेहतरीन इतने बेहतरीन रिजल्ट्स हैं इसके कि आप यकीन नहीं कर सकते। और हम आपको पूरा पूरा फुली ऑटोमेटिक तरीके से कैसे इसको फंक्शनलाइज किया जाता है, मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो पूरा ये सिस्टम है, ये सेल काउंटर इतना एडवांस है कि ये एक घंटे के अंदर 1000 CBC टेस्ट जो होते हैं उनको प्रोसेस करता है एक घंटे के अंदर। दोस्तों हम आपको सबसे पहले इसमें दिखा देते हैं कि कौन कौन से इसमें रिजेंट्स इसके अंदर यूज होते हैं। इसमें WNR है, जो कि हमारा फ्लोरो सेल लाइजर सेल WNR है, लाइजर सेल WDF इसके अंदर, और रेटिक और प्लेटलेट्स इसी के साथ में। दोस्तों इसके अंदर और भी हमारे रिएजेंट्स होते हैं, सेल पैक है हमारा लाइजर सेल WDF है, और लाइजर सेल WNR भी इसके अंदर है, और इसी के साथ में SLS का हमारा SLS का जो हीमोग्लोबिन को प्रोसेस करता है वो रिएजेंट लगा हुआ है। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको इसको पूरा फंक्शनलाइज करके दिखाते हैं कैसे काम करता है। दोस्तों जब भी हम कोई सैंपल इस पर प्रोसेस करते हैं, उसका सारा डाटा जो है वो हम आपको पूरा ऑन स्क्रीन, जो इसको हम यहाँ से फंक्शनलाइज करते हैं, जो डिस्प्ले देख रहे हैं आप सिस्टम एक कंप्यूटर इसके साथ में अटैच होता है, उसी से हम सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं। तो अभी हम आपको कम्प्लीटली जो सैंपल है हमारे पास में उसको हम ऑटोमेटिक तरीके से उसको प्रोसेस करके तब हम आपको पूरा दिखाते हैं। देखो दोस्तों, हमारे पास में एक रैक होती है जिसमें हम एक साथ में 1 से लेकर 10 सैंपल तक इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम आपको एक ही सैंपल है जो आपको फुली ऑटोमेटिक तरीके से दिखाएंगे। इसको पहली नंबर पोजीशन पर रखने के बाद प्लेस करते हैं इसके स्टेज पर, और उसके बाद अभी ये सैंपल ये किस तरीके से मशीन परफॉर्म करती है आइए आपको दिखाते हैं। देखिए ये कैसे इसने अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से ये पूरा स्कैन करती है, स्कैन करने के बाद ये सैंपल को रोटेट भी करती है, जैसे कि हमने और देखा है कि हमारी 3 पार्ट 2 पार्ट और 5 पार्ट जो मशीन होते हैं उनके लिए हमें एक रोटेटर की ज़रूरत पड़ती है, बट इसमें क्या है कि ये सारे काम अपने आप ही ऑटोमेटिकली करती है। और हाँ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इक्विपमेंट्स है, ये 10 पार्ट अपडेटेड है, फिलहाल ये 7 पार्ट है, बट इसके ये 10 पार्ट तक अपडेटेड मशीन है। इसको हम अभी फिलहाल इसमें 7 पार्ट तक इसको अपडेट किया हुआ है, और उसके बाद क्या होता है 8, 9 और 10 इसमें हम अपने किसी भी टाइप का जो बॉडी फ्लूड होते हैं उनको भी प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें हम रेटिकुलोसाइट्स जो हम स्टैन करते हैं, स्लाइड पर पेयर करते हैं, वो भी कर सकते हैं, और साथ ही इसके इसमें हम जो हमारे स्टैनर होता है, अगर हमें किसी भी टाइप की स्टैनिंग करनी होती है वो भी हम इसमें अपडेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने ये 7 पार्ट तक है, और इसको दिखाया हमने कि किस तरीके से इसने परफॉर्म किया था, और कैसे ऑटोमेटिक तरीके से इसने स्कैन किया और सैंपल को रिसीव किया और प्रोसेस किया। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि हमने सैंपल प्रोसेस किया है, हमारा पेशेंट का नाम है पूजा शर्मा। अब आपको ये थोड़ी देर में अभी प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगी ऑन डिस्प्ले आपको
पूजा शर्मा यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं पूजा शर्मा यहाँ पे आ चुके हैं और इसको हम डबल टिक करेंगे तो इस पर सारी रिपोर्ट आपको कम्प्लीटली दिखाई दे जाएगी और हम आपको इसका प्रिंट आउट भी दिखा सकते हैं। प्रिंट आउट में भी आप पूरा एकदम सारी जो है जो पैरामीटर्स होते हैं सीबीसी को वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था इसकी फंक्शनिंग जो थी वो फुली ऑटोमेटिक तरीके से। दूसरा इसको हम मैनुअली तरीके से भी इसको हैंडल कर सकते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। हम इसी सैंपल को मैनुअल तरीके से प्रोसेस करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास में जो हमारे मशीन में जो स्कैनर है उसमें प्रॉब्लम चल रही है या फिर हमारा जो बारकोड है उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो हम उसको मैनुअली कैसे करेंगे। सबसे पहले मैनुअली करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो सैंपल होगा उसको हम सेल्फ रोटेट करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि मैनुअली प्रोसेस करते टाइम ये रोटेटिंग नहीं करती है। इसमें हमें जो हमारा पास में ये बटन होगा, इसमें दो बटन होते हैं, एक नीचे होगा ये रिवर्सेबल वाला, हम इसको इस बटन को प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, जो इसकी जो ट्रे होती है जो इसमें लगी हुई जो रैक होती है जिसमें मैनुअली इसको प्रोसेस किया जाता है वो ऑटोमेटिक निकल के आएगी। अब निकलने के बाद हम इस सैंपल को आगे वाला जो ये पोर्शन है हम इस पर रख देंगे और फिर इसको फंक्शनलाइज करेंगे हम सिस्टम से। क्या करते हैं, इसमें एक मैनुअली एंट्री करने का एक इसमें ऑप्शन होता है, इसमें हमें लैब नंबर और जो पेशेंट का नाम है वो देख लेना होता है, 423112। ये हमने यहाँ पे क्या, अरे पेशेंट का नाम है पूजा शर्मा, इसको ओके कर देते हैं। करने के बाद हमने उसको यहाँ से कर दिया है और इसके बाद दोस्तों देखना क्या है कि इसमें हम ये वाला जो बटन है इसको प्रेस कर देंगे, ये हमारा इसको प्रोसेस करने वाला इसमें एक बटन है, इसको दिखाएंगे। इसके बाद देखिए सेम वही जो ऑटोमेटिक काम होता है वही काम सिर्फ रोटेटिंग के अलावा पूरा काम वही करेगी ये मशीन। देखिए इसमें मैनुअली तरीके से भी बहुत अच्छी तरीके से, और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मशीन की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है, इतनी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इसको हम ILC वगैरह करा के भी देखते हैं तो इसको हमको सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं इस मशीन के। अब देखिए इसको मैनुअली प्रोसेस किया मशीन को, मतलब ऑटोमेटिक तरीके से इसने मशीन को इसने डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि हमको दे दिया एग्जिट करके। अब इसको जैसे हमने सैंपल इसमें प्रोसेस कर दिया है, देन हमें करना क्या है कि ये वाला जो बटन है, ये बटन है, हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो वो आगे की तरफ चला जाएगा। अब सैंपल रन होने के बाद क्या होगा दोस्तों, पूरी उसी तरीके से ये प्रिंट आउट बाहर आएगा हमारा और सेम वही प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो दोस्तों ये था रिव्यू हमारा सिसमैक्स XN1000 का, जो कि ट्रांसएशिया की मशीन है, ट्रांसएशिया जो कंपनी है उसकी मशीन है, और ये कैसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती है हमने आपको ये सारा सब कुछ बताया।